जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे वासना का शिकारी आशिक भूत। आइए कथा श्रवण करें। यह बहुत ही पुराने दिनों की बात है, जब साइकिल तक का आविष्कार नहीं हुआ था। आने जाने के साधन बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी, ऊंट थे। इतने ज्यादा बस्ती नहीं थी, जंगलों की बहुत आयत थी। दूर दराज के गांव में लोग बैलगाड़ियों से आते जाते थे। हरे राम, जिसे संक्षेप में सब हरि भी कहते थे, उसकी ससुराल 30 कोस दूर गांव में थी। वहां से वह अपनी पत्नी को विदा कराने गया था। ससुराल वालों ने बहुत जिद की तो वह 2-3 दिन के लिए रुक गया। आज वापस आ रहा था। उसकी पत्नी मोहिनी बहुत ही सुंदर थी। उसे वह बहुत प्रेम करता था, इसलिए ज्यादा दिन तक वह मायके में रहती थी तो वह जल्दी से बुलाने पहुंच जाता था। चलते वक्त सास ने बहुत सारी हिदायतें दी कि लीक पर जाना, इधर उधर जंगल में मत घूमना। हरि ने उनकी बातों को गांठ बांधकर अपना सफर शुरू किया। गांव से बाहर आते ही उसने अपनी पत्नी मोहिनी से वार्तालाप शुरू कर दिया और धीरे धीरे मस्ती में बैलगाड़ी में चला जा रहा था। बैलों के गले में बधी घंटियों की टुन टुन का संगीत सुनता हुआ मोहिनी का चांद सा मुखड़ा देखता और उससे बातें करता हुआ वह मगन होता जा रहा था। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूर्य ठीक सिर पर तप रहा था। बहुत तेज गर्मी हो गई थी। मोहिनी ने कहा, थोड़ा सुस्ता लो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हरि ने कहा, ठीक है। उसने बैलगाड़ी एक पेड़ की छाया में रोक दी और पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसने लोटा डोरी ली। दोस्तों, पहले बाहर जाते समय लोग लोटा डोरी साथ रखते थे। डोरी लोटे में बांधकर कुएं में पानी निकालकर पी लिया करते थे और पानी की तलाश में वह निकल पड़ा। मोहिनी भी थोड़ा इधर उधर घूमकर हवा का आनंद लेने लगी। वह एक जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आहट और अजीब सी गंध लगी। वह डर गई और वहां से हटकर जाने लगी। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और वह चौंक पड़ी। पर जब उसने देखा कि यह तो हरि है तो वह नाराज होकर कहने लगी, तुमने तो डरा ही दिया और तुम तो पानी लेने गए थे, पानी नहीं मिला। उसने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। बहुत अच्छा तालाब है, मैं देख आया हूँ, चलो वहीं चलकर पानी पी लेना, हाथ मुंह भी धो लेना और कुछ खा पी भी लेना, थोड़ा जंगल में घूमकर आते हैं। मोहिनी उसके साथ चली। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? पीछे से आवाज आई तो मोहिनी ने देखा हरि पानी लिए दौड़ा चला आ रहा था। मुझे पानी लाने में थोड़ी देर हो गई और यह तुम किसके साथ चली जा रही हो? हरि ने कहा। मोहिनी हक्की बक्की सी थी। तब तक उसका हाथ पकड़े हुए हरि बोला, चलो चलो, आगे तालाब है, पानी पिएंगे। पीछे से हरि बोला, रुक जाओ मोहिनी, यह कोई बहरूपिया है। दो दो हरि और दोनों एक दूसरे की हूबहू परछाई। मोहिनी कैसे पहचाने? जरा सा भी तो अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा था। दोनों ही मोहिनी पर अपना हक जताने लगे। दोनों हरि लड़ने लगे। एक हरि दूसरे को दनादन पटकने लगा और लगने लगा कि वह दूसरे को मार ही डालेगा। तो मोहिनी के दिमाग में एक युक्ति आई। वह बोली, रुक जाओ, सुना है यहाँ के राजा बहुत न्यायी हैं, उनसे ही फैसला करवा लेते हैं। राजा जिसके लिए फैसला करेंगे मैं उसके साथ चल दूंगी। तीनों बैलगाड़ी पर बैठ गए। अब इस बार जो हरि ने बैलगाड़ी चलाई तो लगने लगा कि वह उड़ाए लिए जा रहा है। वह सब लोग राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार में ऐसा अजीबोगरीब मामला तो आज पहली बार आया था। ऐसा अजूबा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सुना, एक ही औरत के साथ दो दो वो भी एक ही शक्ल के आदमी कैसे शादी कर सकते हैं। दोनों उस मोहिनी पर दावा जता रहे थे, किंतु मोहिनी आश्चर्य में पड़ी हुई थी। सबकी निगाहें लगी हुई थी कि राजा क्या फैसला करेगा। राजा ने पूरे मामले को ध्यान से सुना और वह सोच विचार में बैठ गया।
राजा ने अपने मंत्रियों से भी सलाह की, अपने सभासदों और उच्च अधिकारियों से भी सलाह की। उसने थोड़े देर के लिए बैठक बुलाई और लोगों के साथ विचार विमर्श किया। उसने अपने ज्ञानी मंत्रियों को सारी घटना के बारे में ब्यौरा दिया। सबकी राय सुनने के बाद फिर उसने आदेश दिया, जाओ एक टोटीदार सुराही ले आओ। टोटीदार सुराही आई। राजा ने कहा, इस सुराही में जो 7 बार घुसकर टोटी से बाहर निकल जाएगा वही मोहिनी का सच्चा पति है। मोहिनी उसी के साथ जाएगी। उन दोनों हरी में से एक हरी यह सुनकर उदास हो गया कि भला यह कैसे संभव है, मगर दूसरा हरी उछल पड़ा। उसने ताली बजाते हुए कहा, भला यह कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। ऐसा कहकर वह झट से सुराही में घुसा और टोटी से निकल आया। फिर घुसा फिर निकल आया, ऐसा वह 3 बार ही कर पाया था। फिर जैसे ही वह सुराही में घुसा, राजा ने टोटी का मुंह बंद कर दिया और सुराही का भी मुंह बंद कर दिया। उसे ढंग से बांध कर नौकर से कहा, जाओ इसे कहीं बहुत दूर खूब गहरा गड्ढा करके जमीन में गाड़ देना। और असली हरी से कहा, जाओ अपनी पत्नी को लेकर जाओ। वह एक भूत था जो जामुन के पेड़ पर रहता था। जैसे ही उसने मोहिनी को जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी हुई देखा, उसका दिल मोहिनी पर आ गया। वह मोहिनी पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसके अंदर की काम वासना जागृत हो गई। वह वासना के वशीभूत होकर मोहिनी पर फिदा हो गया। वह किसी भी हाल में मोहिनी को पाना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारा रूप धरा। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था कि हरि का रूप बनाकर उसने मोहिनी का हाथ पकड़ा और तालाब की तरफ ले जाने लगा। उसका इरादा मोहिनी को तालाब में डुबोकर मार डालने का था। मरकर मोहिनी भी उस भूत की दुनिया में पहुंच जाती। इस प्रकार राजा की बुद्धिमानी से मोहिनी और हरि की जान बच गई। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मोहिनी को हरि अपने घर ले आया। वहां आकर उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई और राजा के न्याय के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे वह भूत वासना के वशीभूत होकर उसने हरि का रूप धारण कर मोहिनी को मारना चाहता था। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। भक्तों, हम आपके लिए नई नई कथाएं लाते रहते हैं। आपका रिस्पॉन्स देखकर हमें अच्छा लगता है, किंतु इस समय रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। भक्तों, कृपया कर हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। भक्तों भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।